जबरदस्त कोरमा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारे किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे पुराने दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा। तो दोस्तों दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा बनाने के लिए यहां पर देख रहे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिया है। चिकन को भी अच्छा से नीटली कटिंग करके वॉश कर लिया है। आपका मनपसंद आप कैसे चिकन भी काट सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे मैंने ऑनियन को अच्छा से ब्राउन करके रखा है, कैसुनेट को भी फ्राई करके रखा है, यह है डेसिकेट कोकोनट, ग्रीन चिल्ली को भी पेस्ट करके रखा है, और खड़ा गरम मसाला और यह है दही। तो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी, आप चलो बनाते हैं कोरमा। आप लोग बेसिकली कोरमा डेक हंडी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे लगन में। सबका अपना अपना स्टाइल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोरमा के लिए ग्रेवी बनाते हैं जबरदस्त भून कर। तो दोस्तों आप लोग कोरमा तेल पे भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल पे बना रहे हैं। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे घी। आपको क्या करना है, ऐड करना है इसमें देसी घी। घी हमारा मेल्ट होके गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे हॉल खड़ा गरम मसाला। इसे 10 से 15 सेकंड के लिए घी पे अच्छा से भून लेंगे। जब ये भुना कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट ऐड कर लेंगे 1 बॉल जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छा से भून लेंगे। तो देख रहे जिंजर गार्लिक भुना डन। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं मसाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है नमक, टर्मेरिक पाउडर, यह है डेगी मिर्च पाउडर कलर के लिए, और नेक्स्ट ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, रोस्टेड धनिया पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच ग्रीन कार्डमम पाउडर, 1/2 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर। तो देख रहे मैंने सारे मसाले ऐड कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे आपको फ्लेम स्लो रखना है। देख रहे मैंने कैसा घी में इस मसाला को भून लिया है, आपको सेम ऐसा ही घी में मसाला भूनना है। तो देख रहे मसाला ऐड कर लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, दही को अच्छा से व्हिस्क कर लेना है और मसाला में ऐड करना है। लेकिन क्या करना है, खाना बनाने से पहले सब कुछ ये तैयार कर लीजिए, तब जाके मस्त का जबरदस्त बढ़िया खाना बनता है। तो मैंने स्लो फ्लेम पे मसाला को भून लिया है और दही भी ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे धीरे धीरे अच्छा से भून भून के पकाना है। इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छा से मीडियम फ्लेम पे उबाल के पकाना है। आपको तब तक पकाना है जब तक आपका इस ग्रेवी में दानादार ना आ जाए, इसलिए आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छा से पका के सेट करना है। तो चलो इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। उसका बीच में हमने यहाँ पर ब्राउन अनियन और फ्राई कैसुनेट इस दोनों को पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इस ग्रेवी को अच्छा से उबाल के पूरा दही का पूरा दानादार बन चुका है। जब आपका दही सेम ऐसा ही दानादार ग्रेवी बन जाए, तब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है ब्राउन अनियन पेस्ट। ये देख रहे मैंने ऐड कर रहा हूँ ब्राउन अनियन पेस्ट, और साथ में ऐड कर लेंगे ब्राउन कैसुनेट पेस्ट। आपको इसे फाइन करके स्मूथ करके पेस्ट करना है, और इस दोनों का अच्छा से वॉश करके पानी थोड़ा ऐड कर लेंगे, और साथ में ऐड कर लेंगे डेसिकेट कोकोनट। आप लोग इसे भी अच्छा से ऑनियन या कैसुनेट का साथ पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट ऊपर ऐड कर लेंगे। और इसे हम नेक्स्ट दोबारा क्या करेंगे,
और आधा घंटा तक अच्छा से उबाल के पकाएंगे। आपको इसे और आधा घंटा तक अच्छा से उबाल के पका के ग्रेवी तैयार करना है। ग्रेवी भी ऑयल छोड़ने लगा। जब आपका ये ग्रेवी ऑयल छोड़ने लगेगा तब आपको समझना है ग्रेवी भी बन के तैयार है। तो चलो अब बारी है चिकन ऐड करने का। तो देख रहे हैं ग्रेवी रेडी डन। अब हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। तो चिकन ऐड करने के बाद आपको क्या करना है इसे अच्छा से मिक्स करने का। तो दोस्तों चिकन ऐड करके आपको इसे तब तक भूनना है जब तक आपका चिकन कुक ना हो जाए। और इसमें पानी वानी बिल्कुल ऐड ना करें, आपको इसी ग्रेवी में ही चिकन को अच्छा से भूनना है। तो दोस्तों देख रहे हमारा चिकन भी कुक हो चुका है। जब आपको सेम ऐसा ही ग्रेवी का साथ चिकन को भूनते भूनते जब आपका चिकन कुक होने आ जाए तब आपको क्या करना है ऐड करना है थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ओनली फ्लेवर के लिए, ज़्यादा ऐड ना करें, ओनली दो बूंद। और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रफली काट हरा धनिया। और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जूलियन जिंजर। और अब हम इसे अच्छा से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा तैयार है। रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया इंडियन खाने का साथ। बाय बाय, थैंक यू। तो दोस्तों देख रहे पूरा जबरदस्त कोरमा, फुल घी से बना है। देख रहे ना ग्रेवी, ग्रेवी देख रहे मस्त का है। तो अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से गार्निश कर लेंगे।